हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द होम कुक। फ्रेंड्स, आज हम बहुत ही टेस्टी रेस्टोरेंट स्टाइल कढ़ाई पनीर बनाएंगे, तो आइए देखते हैं इसकी रेसिपी। तो हमें चाहिए 250 ग्राम पनीर क्यूब्स, स्क्वायर कट दो प्याज, दो शिमला मिर्च, 6 से 7 छोटे प्याज, दो टमाटर, जीरा, एक टुकड़ा अदरक, एक काट लहसुन, काली मिर्च, बड़ी इलायची, 2 टेबलस्पून सब्जी या गरम मसाला, 1 टेबलस्पून हल्दी, पिसी लाल मिर्च, नमक और 1 बोल फ्रेश मलाई। अब मिक्सी के जार में हम जीरा, काली मिर्च, बड़ी इलायची, लहसुन, अदरक, टमाटर, प्याज, हल्दी, सब्जी मसाला और 1/2 ग्लास पानी डालेंगे। और इसे पीस के मसाले का पेस्ट बना लेंगे। अब एक पैन में 1 टेबलस्पून ऑयल लेंगे। इसमें स्क्वायर कट प्याज और शिमला मिर्च डालेंगे। अब हम इसे कवर करके 5 मिनट तक पकाएंगे और बीच में चलाते रहेंगे। हमें इसे थोड़ा क्रंची ही रखना है। इसे हम अलग निकाल लेंगे। अब पैन में 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे। ऑयल गर्म होने पे हम इसमें मसाले का पेस्ट डालेंगे। इसमें स्वाद अनुसार नमक और पिसी लाल मिर्च डालेंगे। इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। इसे ढककर 15 मिनट तक मसाले को भूनेंगे। हमें मसाले को बीच बीच में चलाते रहना है। मसाला भुन जाने पर हम इसमें 1 बोल फिटी हुई मलाई डालेंगे। इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। और 5 मिनट के लिए ढक देंगे। इसमें पहले से पका हुआ प्याज और शिमला मिर्च डालेंगे और चला लेंगे। 1/2 ग्लास पानी डालेंगे और पकने के लिए 5 मिनट के लिए ढक देंगे। अब इसमें पनीर क्यूब्स डालेंगे और मिला लेंगे।
इसे फिर 5 मिनट तक ढक लेंगे और पकाएंगे। हमारा गर्मा गर्म कढ़ाई पनीर रेडी है। आप इसे धनिया पत्ती से गार्निश करिए और इंजॉय करिए। फ्रेंड्स, आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करिए। एंड फॉर मोर इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल।